नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका LNV टीवी में। काली घनघोर रात, गिरता तापमान और ठिठुरते लोग, और ऐसे में जरूरतमंद जो धन के अभाव में अपने शरीर की सुरक्षा गिरते तापमान से नहीं कर पाते, उनकी सुरक्षा करने का दायित्व तो उठाया कुछ ही युवाओं ने। इस्लाम धर्म के मानने वाले यह युवा एकत्रित हुए और पॉकेट मनी जो इनको मिलती थी उस पॉकेट मनी को एकत्रित किया और एक संकल्प के साथ आगे आए कि अब जरूरतमंदों को हम कंबलों का करेंगे वितरण, ताकि वह शीत ऋतु से होने वाले कुप्रभाव से अपने आप को बचा सके। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर एकत्रित यह इस्लाम धर्म के मानने वाले युवाओं ने जो संकल्प लिया और संकल्प के साथ वह उतर पड़े मैदान में। मैदान में उतरने के बाद उन्होंने जाकर प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को कंबलों का वितरण किया, और जब लोगों के तन पर कंबल पहुंच रहे थे तो वह चौंक भी रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे और दुआएं भी दे रहे थे। आइए LNV टीवी के माध्यम से हम आपको दिखलाते हैं कि किस प्रकार इस्लाम धर्म के मानने वाले युवाओं ने अपने संकल्प को लेकर आगे आकर लोगों की ठंड से सुरक्षा में योगदान दिया, अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूं तो बतला दें हम आपको कि प्रत्येक धर्म में मानव सेवा सर्वोपरि बतलाई गई है, मनुष्य के काम आ सके, इसी संकल्प को लेकर यह युवा आगे आए। देखिए LNV टीवी की यह खास और विस्तृत रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पठानी मोहल्ला में रहने वाले इस्लाम धर्म के मानने वाले युवाओं ने अपनी पॉकेट मनी से पैसा बचाकर एक अनोखी मिसाल को पेश किया। कड़कड़ाती सर्द रात में सिकुड़ रहे जरूरतमंद लोगों को इन्होंने कंबल उड़ाकर 11वीं शरीफ के इस्लामी माह की अहमियत को भी बतलाया। मौसम ने अचानक करवट बदली, बारिश और गिरता तापमान। शीत ऋतु में बारिश होने से शीत ऋतु का प्रभाव और अधिक बढ़ गया, और जब कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी, लोग जो जरूरतमंद हैं अपने तन को ढकने के लिए धन के अभाव में वह व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे लोगों की सहायता के लिए आगे आए ये मुस्लिम युवा। इस्लाम धर्म के मानने वाले इन युवाओं ने रेलवे स्टेशन तथा सड़क किनारे पड़े हुए अनेक दीन दुखियों की मदद की, उनको कंबलों का वितरण किया, कंबल उड़ाए। लोग हतप्रभ हो रहे थे जब उनके ऊपर अचानक कंबल डल रहे थे, और कंबल डालते ही जैसे ही युवाओं को अब आत्मसंतुष्टि मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उन लोगों के चेहरे भी प्रसन्न दिखलाई देने लगे थे जिनको ये कंबल उड़ा रहे थे। युवाओं द्वारा पेश की गई इस अनोखी मिसाल की सर्वत्र सराहना हो रही। क्या कहते हैं युवा, आइए हम ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों में अभी 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, मतलब गौसे पाक का महीना चल रहा है। इतनी कड़ाके की ठंड में हम लोगों ने ये देखा है कि जिनके पास ओढ़ने को नहीं है तो उनकी मदद की जाए, तो हम लोगों ने अभी 50-60 कंबल अभी बांटना स्टार्ट किया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मानवता का मैसेज देना चाहते हैं और बस। क्या आप अपने स्तर पर इसको कर रहे हैं या कोई और लोगों से? नहीं, हम लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं, मतलब एक सुकून मिलता है इस चीज करने से। क्या कहना चाहेंगे, आज क्या हो रहा है ये? आज हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु का महीना चल रहा है, इसमें हम लोग रात में घूमने निकलते हैं तो देखते हैं कि लोग ठंड में यहाँ ठिठुरते रहते हैं, तो हम सब लोगों ने मिलकर सोचा कि जो लोग ठंड में निकलते हैं, ठंड में जो लोग ठिठुरते रहते हैं, उनके लिए क्यों ना ओढ़ने के लिए कंबल दिया जाए। उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जितना बना उतना कर रहे हैं हम लोग, यानी एक मानवता की भावना से कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों को देखकर लोग
और अग्रेसिव हों, करें लोग ऐसा काम। हम लोग जितना हो सकता उतना तो कर सकते हैं, लेकिन पूरा तो नहीं कर सकते, तो कर सके लोग। इस्लाम धर्मावलंबियों की माने तो 11वीं शरीफ का एक विशेष महत्व बतलाया गया है, और इस मौसम में, इस समय इन इस्लाम धर्म के मानने वाले युवाओं ने जो अनोखी मिसाल पेश की है, उसको लेकर सर्वत्र सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इन युवाओं से हमें प्रेरणा लेना चाहिए, और दुआएं दे रहे हैं वह सभी जिनको इन्होंने मदद की है। समाचारों के लिए देखते रहिए LMB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।